असलम मई यू फैमिली कैसे हैं आप सब वेलकम टू लाइफ अब्दुल हादी सबसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग है बहुत ही यूज़फुल है हम घर में तो बैठे होते हैं बच्चे भी होते हैं हमारे डर पर हमें बाकी चीज़ों का नाम नहीं पता होता उर्दू में भी नहीं पता चल रहा होता और इंग्लिश में भी कुछ चीज़ों का नहीं पता होता कुछ चीज़ों का हमें इंग्लिश में नहीं पता होता कि उसको लिखते कैसे कुछ चीज़ों को मैं उर्दू में नहीं पता होता कि उसको लिखते कैसे तो इसी पे मैंने कहा चलो एक बेसिक नॉलेज वाली एक वीडियो होनी चाहिए जिसमें हमें इंग्लिश में भी पता होना चाहिए उर्दू में पता होना चाहिए हाउस होल्ड आइटम्स उन पता होने चाहिए हमें जो रोज़मर्रा के गार्डनिंग आइटम्स पता होने चाहिए छोटे छोटे जो हम बच्चों को भी बता सकें शुरू से स्टार्ट से कि भाई हमें स्पेलिंग नहीं आती तो आप स्पेलिंग भी देख सकते हैं अच्छा इससे हमारी इन्फॉर्मेशन हमारी नॉलेज इम्प्रूव होती है हमारी जी के नॉलेज इंप्रूव होती है ठीक है सो so, जैसा कि आप स्क्रीन पर चलता जा रहा है आप उसमें रीड करें अपनी स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करें और ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह की वीडियोस और चाहिए आपको पसंद आ रहे टॉपिक्स ये वीडियोस पसंद आ रही है ये कहेंगे कुछ लोग कि भाई बहुत बच्चों वाली वीडियो है बट सीरियसली बच्चों वाली ही वीडियो है अब किसी की भी स्पेलिंग आप पूछ लें किसी से भी भाई कहीं ना कहीं हम आके स्टक हो ही जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम देखें कि इसमें कौन कौन सी हमें स्पेलिंग्स आती हैं हमें उर्दू में किसको लिखना आता है किसको हमें इंग्लिश में लिखना आता है ठीक है सो तो आपकी स्क्रीन पे चलता जा रहा है बच्चों से पूछें कैबिनेट भाई कैबिनेट की स्पेलिंग क्या होती है अब हमें भी नहीं पाता होता कुछ लोगों को वहाँ स्टक हो जाते हैं वो लोग so, सो सबसे पहला आता है कचरादान अब कचरादान लिखना भी नहीं आता वो कुछ लोगों को आई थिंक डस्टबिन देन आता है टोकरी टोकरी तो सबको पता होता है बास्केट ठीक है स्पेलिंग भी आप देख सकते हैं उर्दू में लिखना सीख सकते हैं भाई मेरी उर्दू वीक है तो मेरे लिए बड़ी यूजफुल रही है ब्लैंकेट कंबल बोलना आता है पर लिखना नहीं आ रहा था तो मैंने कहा चलो एक वीडियो होनी चाहिए जिससे कि उर्दू भी इम्प्रूव हो इंग्लिश भी इम्प्रूव हो हम बहुत ही इम्फोसाइज़ करते उर्दू और इंग्लिश दोनों पर ही करनी चाहिए बल्कि झाड़ू ब्रूम ये आई थिंक फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट लोगों को पता ही नहीं होगा झाड़ू को ब्रूम बोलते हैं ताला पैड लॉक इस ताले को पैड लॉक बोलते हैं ठीक है देन आता है क्लॉथ्स पैग्स क्लिप्स जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्लिप्स कपड़े लटकाने वाला कुंडा ठीक है जूते के तस्में तस्में पता होगा किसी को कि भाई शूल से इसको तस्वें बोलते हैं जूते के सो so, देखें इन्फॉर्मेशन हो रही है आपकी इंप्रूव हो रही है नॉलेज प्लास सब बोलते हैं पर इंग्लिश में पायलर्स तो ज़रा उर्दू और इंग्लिश दोनों पे हमें फोकस करना चाहिए जैसे हमारी उर्दू हमारी मादरी जबान है तो हमें इसमें हमारी पावर होनी चाहिए हमारी पेचकस का सेट स्क्रू ड्राइवर सेट तो पेचकस को क्या बोलते हैं सिर्फ पेचकस को बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर और जो उसका कंप्लीट सेट हो उसको स्क्रू ड्राइवर सेट ठीक है करटेन्स पढ़ दे इंग्लिश उर्दू दोनों इम्प्रूव हो रही है स्पेलिंग्स इम्प्रूव हो रही हैं और क्या चाहिए हमें देन आता है धूल पेन डस्ट पैन सूपड़ी भी बोलते कुछ लोग उसको धूल पेन ये तो मुझे अब पता चला है मैं सीरीज बताऊँ तो डस्ट पैन और राइट right. फूल गुलदस्ता फ्लावर वास सो फोकस ऑन द स्पेलिंग्स उर्दू में भी देखिए किस तरह लिखते हैं कांटा फॉर्क ये बहुत ही बेसिक वर्ड है कांटा उसको बोलते हैं फॉर्क बुनाई वाली सुई नीटिंग नेडल सुई को बोलते हैं निडल बुनाई वाली नीटिंग निडल चटाई मैट पेंट ब्रश इंग्लिश में भी उर्दू में बट लिखने में डिफरेंस है बर्तन पॉट पतीलों को जिस तरह के हमारे छोटे छोटे होते हैं बोरी सैक तिजोरी सेफ कूदने की रस्सी स्किपिंग रोप नल टूटी टैप अलमारी जहाँ कपड़े रखते व ड्रॉप नमाज प्रेयर मैट और प्रेयर रग और कप और तश्तरी कप एंड सॉसर दरवाजे का दस्ता डोर हैंडल सीढ़ी लेडर स्त्री करने का तख्ता आयरन बोर्ड हेयर ड्रायर हेयर ड्रायर बट उर्दू में किस तरह लिखते हैं इंग्लिश में देखिए रोलिंग पिन बेलन को रोलिंग पिन कहते हैं बोतल खोलने वाला आला बॉटल ओपनर वैक्यूम क्लीनर, गन साफ़ करने वाली मशीन घर में जो होते हैं हमारे बाल्टी बकेट रबड़ के दस्ताने रबड़ ग्लोव्स जो बर्तन यूज़ करने में लेडीज़ यूज़ करती हैं झाड़न मॉप जिससे पूछा लगता है बक्सा सूटकेस लिहाफ़ रज़ाई क्विल्ट, हथौड़ा हैमर आग बुझाने वाला आला फायर एक्सटेंशर कटाई वाला बोर्ड चॉपिंग बोर्ड कुंडी, वॉल चटकनी, बोल्ट ये कि उर्दू के जगह ऐसे वर्ड्स में हम रुक जाते हैं तो हमें अपनी उर्दू भी स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए लोटा इवर, झूला क्रेडल गांव तकिया, बॉल्स्टर, बोलस्टर दराज ब्यूरो जो ऐसे टेबल्स होते तो हैं जिनका ड्रॉ नीचे आके डेस्क की तरह बन जाते हैं उसको बोलते हैं ब्यूरो सो होप यू ऑल लाइक द वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ठीक है टेक केयर अल्लाह हाफिज